ठीक है। राजस्थान का मैं इसको बहुत जोर से कंडम करता हूँ। ये बहुत ही बुरी निंदनीय घटना है और ऐसी मानसिकता रखने वाले लोगों को अगर कोई किसी भी समाज में है, चाहे वो अपर कास्ट में हो, तो ये ऐसी मानसिकता रखने वाले को कानूनी तौर पर पूरा दंड देना चाहिए ताकि सारे समाज को एक लेसन मिले कि आगे से कोई ऐसा करने की हिम्मत ना करे। बस यही मैं कहता हूँ। जय भीम, जय भारत। या जो राजस्थान की सरकार है उनको हम चेतावनी देना चाहते हैं कि ऐसा करना जो है, जैसे कि आप लोग सारे उस केस को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर वो बीमार था तो वो स्कूल कैसे आया था, उसका वीडियो कैसे वायरल हुआ, किस तरह से उसको मारा गया, बच्चे को क्या पता है कि ये मटका किसका है। अगर उसने गलती से उठा भी लिया 10 रुपए के मटके के लिए, उसने उसको इतना मारा कि उसकी जान चली गई। अगर वो उसका कसूर यही था कि वो एक शूद्र परिवार में पैदा हुआ था और सरकारें भी शूद्रों के साथ जो है वो न्याय नहीं करती। पिछले दिनों एक ऐसा ही केस हुआ था तो मुख्यमंत्री श्री गहलोत जी ने उसको 50 लाख रुपया दिया। तो इस लड़के को, इस लड़के की भी तो मर्डर हुआ है, तो इसके लिए 5 लाख उसकी कीमत डाली। हमारे माननीय मोदी साहब भारत को कहते हैं कि विश्व गुरु बनेगा। अगर ऐसा ही छुआछूत और ऐसा ही चलता रहा तो ये देश जो है वो विश्व गुरु कैसे बन सकता है। मैं तो सोचता हूँ कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये देश जो है वो बिखर जाएगा। ये जो जातियों में बटा हुआ है, ये जो छोटे बड़े की जो हो रही है, जहाँ भेदभाव हो रहा है, इससे जो देश है टूटने की निशानी है। जब वोट लेने की बारी आती है, सभी दल जो है वो हिंदू हैं, हिंदुओं एक हो जाओ। जो नेता लोग हैं वो ये नारा देते हैं कि हिंदुओं एक हो जाओ तो हमने मतलब के अपना संगठन बनाओ, लेकिन जब इलेक्शन पूरा हो जाता है तो फिर वो कोई दलित हो गया, कोई छोटा हो गया। मोदी साहब ने पैर धोकर उनको सामने वीडियो बनाई थी कि दलितों के पैर धोता हूँ। एक बार जब लोगों को मारा गया था तो इन पर गोली मत चलाओ, मुझ पर चलाओ। एक देश का प्रधानमंत्री ऐसी बात कहे, वो इतना कमजोर है कि वो कहे कि मुझ पर गोली चलाओ, आपके पास कानून है, आप लोगों को मतलब सबको अंदर कर रहे हैं, जो बड़े बड़े मतलब नेता लोग हैं उनको अंदर कर रहे हैं, तो हमारे लिए या दलितों के लिए वो कहते हैं कि नहीं मतलब आप मुझ पर गोली चलाओ, तो ऐसा नहीं चलेगा। मोदी साहब, हम आपसे ये अपील करते हैं कि इस देश को अगर बचाना है तो जो जातिवाद, जो छुआछूत है, उसको मिटाओ। बाबा साहब ने जो चेतावनी दी थी कि अगर संविधान कितना भी अच्छा होगा, उसको लागू करने वाले अगर उनके दिल में खोट होगी तो ये संविधान जो है वो अच्छा साबित नहीं होगा। अगर संविधान बुरा भी हो लेकिन लागू करने वाले अच्छे लोग हों तो वो अच्छा साबित होगा। तो 121 साल बाद कुछ नहीं बदला। बाबा साहब ने 1901 में घड़े को से पानी लेने की कोशिश की थी लेकिन उसको नहीं पीने दिया था, और आज 2022 है, 101 साल के बाद भी हम वहीं के वहीं हैं। आज इस इंदर मेघवाल को मारा गया, उस वक्त बाबा साहब को पानी नहीं पीने दिया गया स्कूल में, तो 121 साल हो गए। तो हमारी यही दशा रहेगी, हम ऐसे ही चलते रहेंगे, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो हमारी सभी से अपील है कि सभी लोग जो हैं
वो अपने दिल से, हम किसी को दोष नहीं देते। मानसिकता किसी की भी गंदी हो सकती है, कानून है देश में, मतलब अदालतें हैं, लेकिन क्राइम आज भी हो रहा है। जो ऐसे लोग हैं जिनके दिल में सारे लोग जो हैं वो एक जैसे नहीं हैं, चाहे वो स्वर्ण हो, वो बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जो कि सभी को गले लगाते हैं, लेकिन जिनकी मानसिकता जो है वो गंदी है, उसको इमीडिएटली कहाँ लगा उस पर SC ST एक्ट? आज 20 दिन के बाद उसको मतलब हिरासत में लिया गया, कहाँ लगा उसको SC ST एक्ट? तो हम ये मतलब अपील करते हैं कि अगर भारत को आगे ले जाना है, इसको तरक्की के रास्ते पर लाना है, इसको विश्व गुरु बनाना है, तो जो देश से छुआछूत और ऊंच नीच का जो भेदभाव है उसको मिटाइए। सभी जो नेतागण हैं वो इस बात को ध्यान रखें कि ये जो छुआछूत और ऊंच नीच का जो है वो भेद मिटा दें और सभी भाईचारे से रहें ताकि हम आगे बढ़ सकें। धन्यवाद। जय भीम।